हे गाइस, क्या हाल? होप सो बढ़िया, और मैं भी मस्त हूँ। तो यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनसीन द नेचर में। और ये वाली वीडियो भी कैंपिंग की होने वाली है, ये थोड़ा अलग होने वाली है, तो देखते रहिए कि कैसे ये अलग होने वाली है। ठीक है भाई, पहाड़ों में फुल एडवेंचर होता है यार, और सोलो में तो कई भयंकर। तो चलो अपनी नई डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ते का पता नहीं चल रहा, अंधाधुंध चल रहा हूँ। तो यार, रास्ते का तो बिल्कुल पता नहीं चला, ऐसे ऐसे झाड़ियों में से निकल निकल के आए, लेकिन बस थोड़ा सा और भाई, तगड़ा होता यार, और मज़ा भी आती है, और फुल एडवेंचर। तो अभी देखो ही, इतना नीचे चला मैं यहाँ से, इन झाड़ियों में से। ये बड़ा सही सीन है यार। तो यार, बड़ा डेंजर ट्रैक था यार ये। तो लोकेशन वाली जगह पहुंच चुका हूँ, और अभी लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जहाँ पे हजरत को रहना है, ठहरना है। तो यार, ये लोकेशन है अपनी, इस पत्थर के नीचे हजरत का बसेरा होगा। तो पहले, सबसे पहले ये झाड़ी जितनी है ना, इसे साफ करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। डन। तो यार, ये चेक करो, कुछ ऐसा सीन है, ये गुफा है, और यहाँ पे देखो ही, यहाँ ना कोई जानवर आता है, हिरन टाइप, हिरन होता है या कुछ होगा। ये देखो, उसके पंजे के निशान है यहाँ पे, ये वाले, तो उसका बसेरा है। तो आज रात मैं उसके बसेरे में रहूँगा। तो अभी आगे का सिस्टम देखते हैं। ये वाली झाड़ी नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी मुझे। अब जो काट रखे ना, वो भी यहीं पे रख दूंगा इस साइड को, अपना सब कुछ सिस्टम तगड़ा हो जाएगा इस साइड को। बड़ा सही सीन है यार। तो यार, अभी धूप है, तो सबसे पहले अब लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं। अपना सेटअप तो हो गया, बैग वगैरह रख दिया यहाँ पे, तो अब लकड़ी का इंतज़ाम करता हूँ। आग तो चाहिए चाहिए ना, तो चलो। तो यार, एक लकड़ी ठीक ठाक दिखी है मेरे को, जिससे आज रात का मस्त सीन आ जाएगा। सूखी हुई लकड़ी है ये। तो
तो यार ये चेक करो, आज रात की भाई सूखी हुई लकड़ी है, टूटी हुई, तो इसका काम चलेगा आज, ये चलाएगा हमारा काम आज रात के लिए। आज रात पूरे भटकने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी भयंकर लकड़ियाँ नहीं मिलती जंगलों में भी, लेकिन कभी कभी किस्मत एकदम सही बैठ जाती है। पूरी सूखी लकड़ी है ये, पता किसका पेड़ है ये जंगली अखरोट का पेड़ है, सूख चुका है और टूट गया था, ये खोखला हो गया अंदर से, टूटा हुआ था, तो अपने काम आएगा आज। यार जंगल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, ये मरा हुआ पेड़ है तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यार अपनी आग भी जल गई है मस्त ढंग से, आग जल जाते ना बहुत सुकून मिलता है यार, बहुत सुकून। तो यार बाद में जो खाना बनाऊंगा ना उसकी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो, कुछ सब कुछ आराम से निपट जाए। वैसे तो रात अपनी होती है तो जो बनाना है उसकी प्रिपरेशन पहले चलनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो मसाला जकड़ ले अपने अंदर। तो बता दो मैं क्या बना रहा हूँ। तो यार अपना मसाला तैयार हो चुका है और ये प्याज टमाटर और पनीर भी कट चुके हैं, तो अब इसे मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे पहले पनीर ही पनीर को डालना है, ये देखो फिसल रहा है खुद ही। तो पहले पनीर ही पनीर को इसका इसके अंदर मैरिनेट करते हैं और बाद में ये प्याज टमाटर जितना भी है ना इसे बाद। तो यार अंधेरा हो चुका है और अब थोड़ा लकड़ी वकड़ी जलाते फिर से क्योंकि बुझ गए थे ये आग। अब ये लकड़ी वकड़ी रख देते जलाने के लिए। तो ये जो पनीर रखा हुआ था ना ये भी मैरिनेट हो गया है, इसे भी भाई साहब 1-1.5 घंटा हो गया है, ज़्यादा ही हो गया होगा वैसे। तो यार कुछ इस तरीके से अपना कैंप है, ये देखो बैग वैग फैला रखे यहीं पे। तो पहले अपना जो खाना है ना उसे देखते हैं, उसे बनाते हैं, फिर अपना आराम से सो जाएंगे अबे। अब जो ये मसाला बना रखा था ना अपना खाने का जुगाड़, इसे करते हैं, उसके बाद खाएंगे आराम से। तो अब आग जलाते हैं उसके बाद। तो यार ये भी हो गया है और इसे इस बर्तन में निकालते हैं। तो यार
बड़ा सही हो रहा है इसमें ना। टमाटर ना अभी जब अंदर से हल्का हल्का अच्छा है, लेकिन भुनने का स्वाद ना जो रोस्ट हुआ है पता जाए मजा आ गया। भाई सामने पूरा अंधेरा, बस इस गुफा में लाइट जल रही है और मैं यहाँ अकेला। बड़ा सही है यार। तो यार इसे खाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तो यार खाना खा लिया, ठीक है, और अपनी आग भी मस्त तरीके से जलती है, और जितने अभी सामान फैलाना है इसे समेटना है और एक बैग में इकट्ठा करके, ताकि कल सुबह जाने में दिक्कत ना हो। ऐसा फैला रहेगा ना तो कोई नीचे चला आ जाएगा कुछ सामान, तो एक बैग में भर के फिर अपना स्लीपिंग बैग निकाल के सो जाते हैं। बड़ा सही सीन है यार, मस्त आग भी जल रही है अपने ढंग से और सारा सामान सेट करके हो गया है, तो अब सोते हैं। काफ़ी टाइम हो गया वैसे भी, अंधेरे में लकड़ी लेने में कहाँ जाऊँ, इतनी है उतनी ठीक है। इसके बाद यार कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है